से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज मैं पहली तारीख को इंटरनेशनल वर्कर्स डे के रूप में, लेबर्स डे के रूप में मनाया जाता है, मई दिन कह करके हम लोग बोलते हैं। तो इस मई दिन के दिवस को 1955 में, 1955 में संत पापा पियूस 12वीं ने जो मजदूरों का पेट्रन के रूप में संत जोसेफ को घोषित किया, क्योंकि संत जोसेफ स्वयं एक कारपेंटर था, मजदूरी करने वाला व्यक्ति था। और हमें मालूम है ईसा मसीह भी इस प्रकार कारपेंटर का, बढ़ई का काम करने वाला था। तो संत पापा पियूस 12वीं ने 1955 में संत जोसेफ को सभी वर्कर्स का पेट्रन के रूप में घोषित किया। इसके द्वारा जो वर्कर्स, जो लेबर्स, जो कार्यकर्ता है, उनको थोड़ा मान सम्मान देने के लिए और साथ ही साथ उन लोगों के एक मध्यस्थ के रूप में, एक पेट्रन के रूप में संत जोसेफ को मिला है। हमें मालूम है संत जोसेफ का जो नाम के अनुसार या माता मरियम के पति के रूप में जो फीस्ट हम लोग मनाते हैं वो मार्च 19 तारीख को है। तो हाल ही में किसी व्यक्ति ने मेरे से सवाल किया, मई फर्स्ट को संत जोसेफ का पर्व क्यों मनाते हैं, इसलिए मैं सोचा आज ये क्लास डाल दूं। संत जोसेफ के विषय में हमें मालूम है दाऊद के घराने में, अर्थात महाराजा दाऊद के घराने में जन्म लेने वाला व्यक्ति है जोसेफ। एक राज घराने में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वह काम किया एक बढ़ई का, कारपेंटर का। इसका मतलब कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं, इस प्रकार जो सोच विचार सही नहीं है, ये बताने के लिए भी हम इस त्योहार को, इस पर्व को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। संत पापा ने भी कलीसिया को संत जोसेफ सभी लेबर्स का, वर्कर्स का पेट्रन के रूप में देते हुए भी यही आग्रह किया है, मानव जाति जो कार्य करता है, काम करता है, जो श्रमिक है, वर्कर्स है, वो इज्जतदार काम है, वो उनके लिए रोटी कमाने का जरूर एक साधन है। और कई लोग जो मजदूरों को थोड़ा नीचा समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं, ऐसे ऐसे जो व्यक्ति लोग हैं, उनका भी ये पर्व के द्वारा श्रमिकों को, जो लेबर्स, जितने भी मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको आदर सम्मान देने का एक अवसर भी है। इसलिए विश्व में मैं पहली तारीख जितने भी श्रमिक लोग हैं, जितने भी लेबर्स हैं, उनके लिए जो मान सम्मान देने का, आदर सम्मान देने का, और उनके नाम पर मैं फर्स्ट तारीख को समर्पित किया हुआ है। यदि हम लोग संत जोसेफ के जीवन को अगर थोड़ा सा देखें, परखें, संत जोसेफ से कई बातें हम सीख सकते हैं। विशेषकर वह एक पति है,
एक पापा है और उससे बढ़कर के वह ईश्वर के साथ ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास कर भरोसा कर जीवन जीने वाला एक व्यक्ति था। पवित्र बाइबल के अंदर कहीं भी जोसेफ को कुछ बात करता हुआ हम नहीं पाते हैं। जो कुछ है वो अपने मन में सोच विचारों में और प्रभु के साथ अपने हृदय से बात करने वाला एक व्यक्ति था। ईश्वर के वचनों को अपने मन में संजोए रखने वाला व्यक्ति था। ईश्वर जो कुछ बोलता है उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। जिस प्रकार हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 6-7 सब नूह के विषय में पढ़ते हैं। नूह के विषय में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6-9 लिखा है वह एक सदाचारी व्यक्ति था। नूह के समय पर उस समय पर सबसे अच्छा एक पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति, विश्वासी जीवन जीने वाला व्यक्ति, ईश्वर भक्त हम बोल सकते हैं, वो नूह था। इसका पीछे का कारण वाक्य 22 में हम लोग पढ़ सकते हैं। नूह ईश्वर जो कुछ बोला वो सब कुछ करने वाला था, उसमें सवाल नहीं करते, उसको स्वीकार कर उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। उसी प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7:5 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले, ईश्वर ने जो कुछ कहा वो सब कुछ करने वाला व्यक्ति था नूह। उसी प्रकार नए विधान के अंदर हम एक व्यक्ति को पाते हैं, वो है संत जोसेफ। संत जोसेफ आग बंद कर करके जो कुछ प्रभु कहता है उसके अनुसार चलने वाला, साइलेंट लिसनर कहते हैं, चुपचाप सुनने वाला और उसके अनुसार कार्य करने वाला। सभी पुरुषों के लिए, विशेषकर सभी पतियों के लिए, सभी पापा लोगों के लिए एक आदर्श है संत जोसेफ। यदि हम संत जोसेफ जैसे बन जाएं, उनके आदत जैसे बन जाएं, हमारा घर को स्वर्ग बना सकता है। यदि माता मरियम के बाद यदि कोई व्यक्ति ईसा मसीह से इतना जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर हम बोले, वो संत जोसेफ था। मां जरूर अपने गर्भ में भी लिया, आपने 9 तक कोख में पालन पोषण किया, इसके बाद जन्म के बाद अपने गोदी में बिठाया, दूध पिलाया, खिलाया पिलाया, सिखाया, सब कुछ यीशु के साथ गहरा संबंध मां मरियम की है। इसके बाद किसका है यदि हम पूछें, वो उनका पालक पिता संत जोसेफ का है। संत जोसेफ का यदि अगर हम एक रूप देखें ईसा मसीह के लिए, उस जो स्वर्गीय पिता का रूप, संत जोसेफ यहां भूमि पर अपने बेटे यीशु के लिए वह उस स्वर्गीय पिता का एक रोल निभाया। स्वर्गीय पिता के समान इस धरती में ईसा मसीह के लिए एक पिता बन करके वह रहा। उनके साथ सदा चलना, उनके हाथों में लेकर के चलना, यदि हम लोग डीट्रोनमी विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 1:31 को पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ डीट्रोनमी chapter 1:31 वहां पर लिखा हुआ है, तुम उस उजाड़ गंड में देख चुके हो कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर उस पूरे मार्ग पर जिस पर तुम यहां तक आए हो तुम्हें इस प्रकार गोद में उठाकर ले आया जैसे कोई पिता अपने पुत्र को उठाकर ले आता है। ईसा मसीह को इस प्रकार गोदी में उठाकर के निरंतर चलने वाला व्यक्ति था जोसेफ। हमें मालूम है ईसा मसीह के जन्म के बाद हरोद ने सब बच्चों को मार डालने का आदेश दिया। उस बच्चे को उठा करके वह इजिप्त मिस्र देश के लिए जाते हैं रातों रात। इसके बाद हरोद के मृत्यु के बाद फिर से स्वर्गदूत कहते हैं वापस जाने के लिए, फिर वापस नासरत आते हैं। चाहे
बाल्यावस्था हो चाहे अन्य अवस्था युवावस्था हो, ईसा मसीह के साथ रहने वाला पिता था जोसेफ, उनका पालन पोषण करने वाला और उन्हें हर दुख कष्ट पीड़ा से बचाकर रखने वाला और उनका पालन पोषण में ईश्वरीय ज्ञान देने में, चाहे जन्म के आठवें दिन कथना करना हो या 40 दिन के बाद शुद्धिकरण के दिन में मंदिर में अर्पित करना हो या वर्ष वर्ष में 2-3 बार जरूसलेम मंदिर लेकर के जाना हो, यह सब कार्य करने वाला व्यक्ति था संत जोसेफ। हम लोग लूकस के सुसमाचार के अंदर पढ़ सकते हैं, लूकस का सुसमाचार लूक चैप्टर टू, वहां पर हम लोग वाक्य 39 प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा करने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौटे। देखो, बालक यीशु को मंदिर में अर्पित करने के बाद संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा किया। इसका मतलब जो संहिता में किस प्रकार बच्चों का पालन पोषण करना है, किस प्रकार समर्पण करना है, किस प्रकार उन्हें छुड़ाना है, जो कुछ लिखा है उसके अनुसार सब कुछ करने वाला। इसका मतलब बाइबल का संहिता का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था संत जोसेफ। इसके बाद एक और वचन उठाते हैं वाक्य 41 को, लूक चैप्टर 2 वर्स 41, वहां पर लिखा है, ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करता था। इसके बाद अगला शब्द भी क्या लिखा है, जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार वो आदत ही बन गया, हर वर्ष वे जाते थे प्रथा के अनुसार पास पर्व मनाने के लिए यरूशलेम गए। इसका मतलब है संहिता के अनुसार, नियम के अनुसार स्वयं चला। केवल इतना ही नहीं, अपने पुत्र को भी, अपने परिवार को भी उसी के अनुसार चलाने वाला व्यक्ति था संत जोसेफ। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में सृष्टि कर्म के विषय में लिखा हुआ है और अध्याय 2 वाक्य 15 में मनुष्य की सृष्टि करने के बाद अदन वाटिका में उन्हें रखते हैं, वहां पर 15वां वाक्य में यह लिखा हुआ है मनुष्य को वहां पर काम करना है। उस धरती में जितना जो कुछ सृष्टि किया है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे जंगली जानवर हो, चाहे जानवर हो या पक्षी हो, सबका देखरेख करने का अधिकार ईश्वर ने मनुष्य को दिया। इसका मतलब मनुष्य को ईश्वर ने अपना उस सृष्टि कर्म के संभालने का कार्य दिया है। इसका मतलब काम करना उत्पत्ति ग्रंथ से ईश्वर की इच्छा के अनुसार है। कोई भी मजदूरी, कोई भी काम करना, वो कोई डिग्री कम नहीं है या बड़ा नहीं है। ईश्वर के नजर में इस संसार को बनाए रखने के लिए मनुष्य को काम करना है। लेबर्स के विषय में इसका मतलब है उत्पत्ति ग्रंथ से लिखा हुआ है। तो संत जोसेफ हो या ईसा मसीह क्यों ना हो, वो जो पब्लिक लाइफ के लिए जब 30 साल की उम्र में निकला हो, तब तक यही कार्य लेबर बन करके, बड़ई बन करके वो कार्य करता था, मेहनत करता था। तो हम लोग देखते हैं इस प्रकार बहुत ही काम करने का एक अच्छा उदाहरण दिखाने वाला। एक और मेरे मन में बार बार आता है, ईसा मसीह को लेकर के जब मिस्र देश में गया, एक नए स्थान पर, नए देश में पहुंचा संत जोसेफ, इसका मतलब वहां पर भी मेहनत किया है। इसके बाद बोला वापस लौटो जाओ नासरत में, नासरत जाकर के रहा, इसके बाद वहां पर से काम शुरू किया। जहां कहीं भी जोसेफ गया वो मेहनत कर अपने परिवार को चलाने वाला व्यक्ति था। तो इसलिए मजदूरों का एक पैटर्न के रूप में संत जोसेफ को कलीसिया हमें दिया है।
18वीं सदी से संत जोसेफ को जो कलीसिया का पूरे यूनिवर्सल चर्च का पैटर्न के रूप में संत पापा पीयूस 9 ने घोषणा किया था 1870 में 1870 में संत पापा पीयूस 9 ने उनको यूनिवर्सल चर्च का पैटर्न के रूप में घोषित किया था। और करीब 10वीं सदी से लेकर के 19 मार्च को संत जोसेफ का पर्व मनाते भी आए हैं। 10वीं सदी से इतिहास में मिलेगा, कई किताब में मिलेगा, संत जोसेफ को 19 मार्च के दिन को संत जोसेफ का पर्व को मनाते हुए आया है। उनका नाम का पर्व या माता मरियम के पति के रूप में उनका जो पर्व है 10वीं सदी से। 13वीं सदी में, 15वीं सदी में, सब ऐसे कई देशों में ये पर्व मनाता हुआ, और वो देश का संरक्षक संत के रूप में उन्हें कई देश में, कई डायसिस ने सब घोषित किया है। आज केवल यूनिवर्सल चर्च का ही नहीं, परिवारों के संत के रूप में, पतियों का, पप्पा लोगों का जो संत के रूप में, या गर्भवती महिलाओं के संरक्षक के रूप में, ये यात्रा करने वालों के संरक्षक के रूप में, या जैसे अभी इमिग्रेंट्स जो होता है एक दूसरे से, एक जो जैसे अभी लड़ाई चल रहा है यूक्रेन में, यूक्रेन के निवासी लोग अन्य देशों में शरणार्थी बनकर के रह रहा है, ऐसे शरणार्थी लोगों का संत के रूप में, लेबर्स का, क्राफ्टमैन का, इंजीनियर्स का, कई इस प्रकार का काम करने वालों का संरक्षक संत के रूप में, पैट्रन के रूप में संत जोसेफ को कलीसिया मानते हैं। कई ऐसा राष्ट्र है, कई डायसिस है, कई चर्च है, संत जोसेफ को अपना संरक्षक संत, पैट्रन संत के रूप में रखा है। केवल इतना ही नहीं, कई लोग अपना खुद का नाम, अपने संस्था का नाम संत जोसेफ का रखकर के उनसे प्रार्थना मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए एक अच्छा मध्यस्थ है, हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। कई फोटोस मिलेगा संत जोसेफ का, एक लिली पुष्प के साथ, एक फ्लावर के साथ, एक पौधे का, एक लिली फ्लावर को दिखाते हुए। हमें मालूम है लिली फ्लावर वो प्यूरिटी का, पवित्रता का एक चिन्ह है। संत जोसेफ जिस प्रकार माता मरियम के साथ, कुंवारी मरियम के साथ एक पवित्र जीवन जीने के निर्णय किया, एक पति के रूप में रहा, इसको दर्शाने के लिए वो लिली फ्लावर का वो चिन्ह वहां पर दिखाते हैं। इसलिए अनेकों ऐसा महिला, जैसे कॉन्वेंट है, संस्थाएं, ऐसा संस्था है, संत जोसेफ को अपना संरक्षक संत रखा है, स्त्रियों का संरक्षक के रूप में। संत जोसेफ इस प्रकार स्त्रियों का बहुत संरक्षण देता है, ये विश्वास करते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को भी पवित्रता का जीवन जीने के लिए संत जोसेफ का एक उदाहरण ले सकता है। जब संत जोसेफ को पता चला मां मरियम गर्भवती है, उन्हें चुपके से छोड़ने का निर्णय किया था। मत्ती के सुसमाचार अध्याय ये एक वाक्य 19 में संत जोसेफ के विषय में एक बहुत सुंदर शब्द वहां पर लिखा हुआ है। उस एक शब्द के द्वारा जोसेफ के विषय में सब कुछ लिखा है। वो चुपके से इसलिए मरियम को त्यागने का निर्णय किया क्योंकि वह एक धर्मी था। माता मरियम का बदनाम नहीं करना चाहते थे, वो गर्भवती है करके देखा, उन्हें मालूम नहीं था वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ, फिर भी वो उसको स्वीकार करते हैं और चुपके से वो छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचा किसी पुरुष से हुआ होगा, उनके साथ रहने दो, ये विचार कर करके। यदि वो अन्य लोगों को बताएंगे, माता मरियम को पत्थर से मार डाल सकता है, इसलिए वो चुपके से छोड़ने का निर्णय किया। अन्य लोग मुझे बोलने दो, लेकिन मरियम को कुछ नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार एक स्त्री का आदर सम्मान करने वाला एक व्यक्ति के रूप में संत जोसेफ हम पाते हैं। ऐसा कई गुण मिलेगा। तो आज लेबर्स डे, मई दिन के अवसर पर
हमें एक निर्णय करना है, हम जो कुछ काम करते हैं उस काम को ईमानदारी के साथ करेंगे, हम लालच के लिए नहीं, अन्य किसी बात के लिए नहीं। जिस प्रकार संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए कहते हैं दासों को, दासों आप अपने मालिक को इस प्रकार सेवा करो जैसे ईश्वर की सेवा करते हो। हम कहीं भी कुछ भी काम करते हैं वो ईश्वर के लिए सेवा कर रहा है, ये एक विचार रख करके हम जो कुछ काम कर रहा है वो ईश्वर के लिए काम करना है, ईश्वर के लिए कर रहा है, ये विचार रख करके हमें करना है, ईमानदारी का काम करना है। चाहे घर के लिए काम हो, चाहे राष्ट्र के लिए काम हो, चाहे किसी प्राइवेट संस्था में है, चाहे लेबर का काम कर रहा हो, जो काम कर रहा है ईमानदारी होना चाहिए। केवल पैसा कमाने के लिए कहीं से भी पैसा मिल जाए इस प्रकार का लक्ष्य रख करके कुछ भी ना करें। हमारा काम में संत जोसेफ के समान एक ईमानदार व्यक्ति बनने का, ईमानदारी होने का जरूरी है। ईमानदारी को सीखेंगे, विनम्रता को सीखेंगे, पवित्रता को सीखेंगे, विश्वासी जीवन को सीखेंगे, एक अच्छा पति बन करके जीवन जीते हुए दूसरों का आदर सम्मान सेवा करने का एक है, संतानों को अच्छा उदाहरण का जीवन जीना, संतानों की ईश्वरीयता में पालने का, ऐसे अनेकों उदाहरण आज हम अपने जीवन में उतारेंगे। आइए हम संत जोसेफ के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे जीवन के लिए उत्तम उदाहरण के रूप में देने के लिए धन्यवाद दें। हमें जो नौकरी है उसके लिए धन्यवाद दें, उसमें ईमानदारी के साथ कार्य करने का, दूसरों की सेवा करने में खुशी अनुभव करने का, एक राज घराने में जन्म लेकर के संत जोसेफ बड़ई का काम किया, कारपेंटर का काम किया, ईसा मसीह स्वयं ईश्वर होकर के बड़ई का काम किया। कोई भी काम छोटा नहीं है, ईमानदारी के साथ काम कर करके देंगे, निर्णय कीजिए प्रभु के नाम पर निर्णय कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।